हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर टू फोर सेवन में दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज अ अलम्बर डिड माई स्प्लिट सील बाय विलियम वर्सवर्क तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम वेयर यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज बिलीव टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द पोम असलम्बर डिड माय स्प्रिट सील आपको बता दें कि ये जो पोम है असलम्बर डिड माय स्प्रिट सील ये लूसी पोम्स बेसिकली फाइव पोम्स का कलेक्शन है तो उसी की एक पोम है और इसमें लूसी को क्लियरली बताया नहीं गया है लेकिन ये जो पोम है ये लूसी जो कि ऐसा बताया जाता है कि वर्षवत की विलब्ड होती है तो उसी पर इस पोम को कंपोज किया गया है उसका डेथ हो गया होता है तो उसी पे इस पोम को लिखा गया है तो उसी से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन होंगे तो पोर्ट कहना चाहता है कि हु इज़ टू बी सब्जेक्ट ऑफ द पोम पोम का सब्जेक्ट क्या है तो जैसा कि हमने बताया कि लूसी पोम्स में से एक पोम है इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी लूसी पे इसको लिखा गया है उसकी बेसिकली डेथ पे लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड इन विच वॉल्यूम वॉज असलंबर डिड माई स्पिट सील फर्स्ट पब्लिश तो इसको किस वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था आपको बताना है तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी यानी सेकंड वॉल्यूम सेकंड ऑफ लिरिकल बैलेट्स लिरिकल बैलेट जो होता है फर्स्ट आता है 1700 में और जब ये पब्लिश होता है फर्स्ट इसका वॉल्यूम आता है यानी कि लिरिकल बैलेट्स आता है सेवनटीन नाइनटी में आता है फर्स्ट सेवनटीन में आता है तभी से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है पहले कलेक्शन में टोटल ट्वेंटी थ्री पोम्स होती हैं जिसमें सेवनटीन नाइनटीन पोम्स विलियम वर्सवत की होती हैं और फोर पोम सी एस टी की होती हैं दोनों लोग का कलेक्शन होता है सेकेंड जो आता है जिसका नाम होता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के नाम से आता है और ये आता है 1800 हंड्रेड में तो इस वजह से सही आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी इसे पब्लिश किया गया था सेकेंड वॉल्यूम में नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ द पोम असलंबर डिड माई स्प्रिट सील ये जो पोम है असलंबर डिड माई स्प्रिट सील इसका सेंट्रल थीम क्या है अच्छा आपको बता दें कि इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है देखना चाहे तो प्ले में जा करके देख सकते हैं तो इसकी सेंट्रल थीम क्या होता इसका है इसका सेंट्रल थीम है लॉस एंड मोर्टेलिटी जैसे कि उसने अपनी ब्लड को खो दिया है ठीक है तो उसी पर बेस्ड है इसलिए सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट लूसी पोम्स बाय वर्सवर्थ तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लूसी पॉइंस फाप पोम्स की कलेक्शन है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है वर्षवत के लाइफ में तो फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि दे फोकस ऑन अ मिस्टीरियस वुमन नेम लूसी ये सारी पोम्स को एक मिस्टीरियस वूमन पे फोकस किया गया है वही इसकी सेंट्रल जो है ऑब्जेक्ट होती है जिसको लूसी के नाम से हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ द पोम और ये भी सेंट्रल थीम से रिलेटेड है यानी कि और भी एक सेंट्रल थीम है तो आपको बताना है वो क्या है तो फाइव का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि इन एविटेबिलिटी ऑफ डेथ इन एविटेबल यानी कि जो होने ही वाला हो जो अनिवार्य हो तो डेथ होना अनिवार्य है हर व्यक्ति को मौत के चंगुल से गुजरना है तो उसी चीज पे इसको डिस्क्राइब किया गया है कि मौत सभी की आनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स इन स्टेंज ऑफ फास्ट द स्पीकर डिस्क्राइब द स्पिरिट एज सील्ड इन स्लंबर टू सजेस्ट ये कहना चाहते हो जो मेरी स्पिरिट है जो मेरी स्प्रिट है उसको सील कर दिया गया है एक नींद में स्लंबर माने नींद होता है नींद का एक आवेश में उसको सील कर दिया गया है तो इससे पॉइंट क्या सजेस्ट करना चाहता है तो सिक्स का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्टेट ऑफ इमोबिलिटी एंड स्टिलनेस यानी कि कहना चाहते हैं कि एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया हूं जहां से न तो मैं मूव कर सकता हूं और वहां मैं बिल्कुल शांत हूं स्टिल हूं खामोश हूं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ अकॉर्डिंग टू स्टैंड सेकेंड वॉट डज द लव लैक आफ्टर दियंबर Stanza सेकेंड के अनुसार दो ही स्टैंडा इसमें है four लाइन्स के तो second stanza के अनुसार ये जो इसकी ब्लब्ड होती है उसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है किस चीज को लैक करती है नींद में आने के बाद तो जैसा आप सभी को पता है कि नींद में आने के बाद ना तो व्यक्ति सुन सकता है और ना ही देख सकता है इसलिए शी लैक्स द एबिलिटी टू सी एंड हियर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द फ्रेज अर्थ कोर्स अर्थ डायर्नल कोर्स से कहना चाहते हैं कि जो लूसी है वो मर चुकी है और जमीन में उसको दफना दिया गया है और वो क्या है कि जिस तरह से जमीन मूव करती है रोज अपनी एक्सेस पे उसी तरीके से वो भी उसी के साथ मूव कर रही है तो यह कहना चाहते हैं कि अर्थ डायर्नल कोर्स से क्या मतलब है तो एट का हमारा सही आंसर हो जाएगा पैसेज इज द राइट आंसर पैसेज ऑफ टाइम इन द नेचुरल वर्ड नेचुरल वर्ड किस तरह से समय गुजरता है तो उसी को डिस्क्राइब करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ हाउ डज द स्पीकर व्यू लवन इन द पोम अपनी बिलट को किस तरह से पोम में देखता है स्पीकर तो नाइन का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि एज अ फिगर ट्रांसफॉर्म बाय डेथ इन टू नेचुरल एलिमेंट यानी अपनी बिलट को एक फिगर के रूप में देखता है जिसको डेथ के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया गया है एक नेचुरल एलिमेंट में यानी कि वो परिकृत के एलिमेंट में चेंज हो चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ द नेचुरल इमेजरी ऑफ रॉक्स स्टोन ट्रीज इन दिम्बोलाइजेस ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रॉक है स्टोन है और ट्रीज हैं, ये किस चीज को सिम्बोलाइज करते हैं आपको बताना है तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ये बी होगा यानी कि द इंडियोरिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड नेचुरल वर्ड के इंड एलिमेंट्स को ये दर्शाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेवेंथ वॉट इफेक्ट द रिपीटेशन ऑफ नो अब देखेंगे कई बार इस पॉम में नो no का प्रयोग किया गया नो no फोर्स ऐसे करके तो नो no किस चीज को क्या इफेक्ट इसका है या क्या इंपैक्ट इस पॉम में डालता है नो no. तो एलेवेंथ का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्टेसाइज स्पीकर ग्रीफ एंड सोरो हाँ, सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि इट हाई द फाइनलिटी एंड एबसेंस ऑफ लाइफ ये जो लाइफ के एबसेंस को दिखाता है तो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्व द टोन ऑफ द पोम कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पोम की टोन कैसी है आपको बताना है तो जैसा कि आपको पता है इसको किसी के डेथ पे लिखा गया है तो खुशी या ह्यूमरस हो ही नहीं सकता है सैड एंड रिफ्लेक्टिव इज द राइट आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीन वट डज द पोम सजेस्ट अबाउट स्पीकर एटीट्यूड टूवर्ड्स डेथ डेथ को लेकर के पोइट का क्या नजरिया है क्या सोच है आपको बताना है तो थर्टीन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि एक्सेप्टेंस एन पीस वो जो डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है और वो बहुत ही पीसफुल है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टीन द पोम असलंबर डिड माई स्प्रिट सील रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट ये कहना चाहते हैं ये जो पोम है ये कौन से लिटरेरी मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करती है तो जैसा कि आपको पता है कि जब लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है तो फर्स्ट ही पब्लिकेशन से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है और इस वजह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ए यानी रोमांटिसिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टीन हाउ डज द पोम डेपिक्ट डेपिक्ट मींस होता है चित्रित करना या दिखाना पोर्ट्रे करना दर्शाना लव्ड वन बिफोर एंड आफ्टर दिस लंबर ये कहना चाहते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी बिल्ट को दिखाया है नींद से पहले और बाद में तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डिवोर्ड ऑफ ह्यूमन इमोशंस डिवोड मीनस होता है रहित या फिर फ्री फ्रॉम ह्यूमन इमोशंस कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटीन वॉट इज द इफेक्ट ऑफ पोम सिंपल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता है कि जो विलियम वर्समत होते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं इनको नेचर का पोइट क्या होता है नेचर पे बेस्ड होते हैं तो यहां पर आपको बताना है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है यदि पोएम को सिंपल लैंग्वेज में यूज किया गया सिंपल स्ट्रक्चर में यूज किया गया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है क्या इफेक्ट पड़ता है तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि इट इन्हांसेज द फॉर्म्स एक्सेसिबिलिटी एंड क्लैरिटी इजी होने की वजह से इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन बढ़ जाती है यानी कि ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि ईजी होती है क्लैरिटी यानी कि इसकी मीनिंग को आज आसानी से समझ पाते हैं क्योंकि ये सिंपल है तो एक्सेसिबिलिटी और क्लैरिटी क्लैरिटी में इन्हांस करता है सिंपल स्ट्रक्चर और लैंग्वेज होने की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटीन वट डज़ द स्पीकर इम्प्लाय बाय डिस्क्राइबिंग द लव्ड वन एज ए थिंग दैट कुडेंट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर पॉइंट कहना चाहते हैं उसकी जो ब्लबड होती है वो एक ऐसी चीज है ना तो फील कर सकती है ना तो मटीरियल या संसार जिस तरह से गुजर रहा है इसको टच कर सकती है तो इससे पॉइंट क्या कहना चाहता है तो सेवनटीन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि इमोर्टिलिटी एंड इटर यूथ वो ये कहना चाहते हैं कि वो इमोर्टल हो चुकी है एक इटर यूथ हो चुकी है तो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीन विच लिट्रेरी डिवाइस इज मोस्ट मोस्ट प्रोमिनेटली यूज इन द पॉम्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द लवड वंस स्टेट यानी कि जब वो अपनी बिलअ को डिस्क्राइब करता है पोइट तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है तो एट नंबर का एट्टीन का हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी कि मेटाफर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइनटीन हाउ डज द पॉम चैलेंज कन्वेंशनल कन्वेंशनल यानी कि जो पारंपरिक होता है ट्रेडिशनल व्यूज होते हैं उनकी बात करते हैं तो हाउ डज द पॉम चैलेंजेस चैलेंज कन्वेंशनल व्यूज ऑन डेथ एंड मोर्टिलिटी डेथ और मोर्टिलिटी पे किस तरह से जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल व्यूज़ होते हैं उसको ये पोएम चैलेंज करता है तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बाय पोर्ट्रींग डेथ एज अ नेचुरल एंड पीसफुल प्रोसेस क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि जो डेथ है वो एक नेचुरल और पीसफुल प्रोसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन वर्ड रोल डज नेचुरल नेचर प्ले इन द पोम आपको बताना है कि नेचर कौन सा रोल प्ले करता है पोम में असलम्बर डिड माई स्प्रिट सील एक आगोश ने नींद की एक आगोश ने मुझे रूह को कैद कर दिया इसकी मीनिंग होती है तो इसमें कौन सा रोल प्ले करता है नेचर ट्वेंटी का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट है इट सिम्बोलाइज द हार्नेस ऑफ द रियलिटी सेकेंड इट रिप्रेजेंट द स्पीकर लॉन्गि फॉर द मोर्चिलिटी हाँ तो इसका सही आंसर डी होगा इट अंडरस्ट कोस द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी कि जो डेथ और लाइफ की साइकिल है उसको दिखाता है तो इस वजह से डी इज द राइट आंसर तो ये हमारे क्वेश्चन हमें उम्मीद आपको जरूर समझ आए होंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टिल ने टेक हैव अ गुड टाइम